नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो खाकी वर्दी में आपको दिख रहे हैं ये फॉरेस्ट से हैं। जी हाँ, फॉरेस्ट से हैं, क्योंकि यहाँ पिछले दिनों एक बच्ची के ऊपर तेंदुए ने हमला किया था। यहाँ पर तेंदुए की मूवमेंट लगातार बनी हुई है, जिसको देखते हुए आकाशदीप बधावन, जिनकी खबर हम पहले दिखा चुके हैं और आपने काफ़ी प्यार दिया उस खबर पर, यहाँ पर DFO करतनिया घाट आकाशदीप बधावन पहुँच चुके हैं। रेंज अफसर अनूप कुमार हैं और भी उनके स्टाफ के कई लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र में यह जानने आए हैं कि तेंदुए का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार है, ज़्यादा है या कम है। फिलहाल पिंजरा लगा दिया गया है ताकि उस पर काबू पाया जा सके। और भी कई सेफ्टी रूल्स DFO आकाशदीप बधावन द्वारा बताए गए हैं कि किस तरीके से अगर कहीं दिख जाए तो हम तेंदुए से या इस प्रजाति के जानवर से किस प्रकार बच सकते हैं। तो साइड में हम वो भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से एक तेंदुआ विकराल रूप अपना धारण कर लेता है। यह वीडियो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यह हमारे कैमरे में बहुत ही रियर तरीके से कैद हुई है। फिलहाल नमस्कार और इसी तरीके से आप अपना प्यार हमें देते रहिए। और आप देख सकते हैं अभी IFS रैंक के DFO आकाशदीप बधावन यहां पहुंच चुके हैं, जो लगातार अपनी टीम को, क्षेत्रीय ग्रामीणों को तेंदुए से बचने के उपाय बता रहे हैं और जहां जहां उनकी मूवमेंट है उन चीज़ों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, क्योंकि यह तेंदुआ और बाघ को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अगर जरा भी कहीं मूवमेंट उनकी नज़र आती है तो यह तत्काल मौके पर पहुंच के स्वयं निरीक्षण करते हैं, किसी के सहारे नहीं रहते। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों से कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे एक IFS रैंक के अधिकारी आकाशदीप बधावन। बहुत सारे यहाँ पे आप लोग के बच्चे और बुज़ुर्ग, उनसे विशेष रूप से अपील है कि बच्चे अकेले ना जाएं, बुज़ुर्ग अकेले ना जाएं, आप और महिलाएं अकेले ना जाएं। आप कोशिश करें कि इसको झुंड में बना के जाएं और शाम को जब भी जाएं ऊंची ऊंची बातें करते हुए जाएं, या कोई अगर आपके पास शोर करते हुए, और यदि कभी कोई आपको दिख भी जाता है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ क्षेत्र में भी तेंदुआ है, अगर कोई दिख भी जाता है तो ये एक विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग अपने हाथ ऐसे दोनों ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है जी, ऐसे अपने हाथ ऊपर करके आप शोर मचाइए, ठीक है। उससे आपका जो तेंदुआ है वो जब देखेगा ना कि वो नॉर्मली समझता है कि हमारे से कोई दूसरा जानवर है और वो साइज में हमसे बहुत बड़ा है, जब आप हाथ ऊपर करिएगा तो ऐसा लगेगा उसको कि और भी बड़ा, 6 फुट से 6.5 फुट तक के आसपास के हाथ आपके पहुंच जाएंगे, तो और आवाज़ करेंगे तो वो थोड़ा संकोच करेगा और वापस भागेगा। पर बच्चों को विशेष रूप से, महिलाओं को, बच्चों और बुजुर्गों को, इनको अकेले मत आने दीजिए। और हमने पिंजरा अभी एक लगा दिया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम इसको पकड़ के यहाँ से ले जाएंगे। आपका सिर्फ एक ही सहयोग चाहिए, कभी भी कोई दिखे आप तत्काल यहाँ पे, जो हमारी 24 घंटे के लिए हमें एक टीम स्टेशन कर देंगे, अगर 1 किलोमीटर पे भी कहीं पर दिखे आगे इधर, अगर किसी के पास भी दिखे, यहाँ पे नेटवर्क तो रहता ही है, जी, 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 आप फोन करके जो यहाँ पे टीम है उसका मैं वो नंबर दे देता हूँ, उस टीम को तत्काल सूचित कीजिए। गांव में एक घटना हुई थी जिसमें 8 वर्षीय किरण को तेंदुए ने घायल कर दिया था, तो उस पर अब तक क्या हुआ है सर? जी, तत्काल अभी मौके पे ही मैं अपनी टीम के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पे एक तेंदुए द्वारा ये बच्ची को घायल किया गया था। मौके पे कल शाम की जब घटना हुई तो स्टाफ संबंधित पहुंच के बच्ची को जिला अस्पताल बहराइच पहुंचाया गया, प्राथमिक उपचार कराया गया, वहां पे विभाग द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दे दी गई है और आगे की जो भी सहायता है वो भी दी जाएगी नियमानुसार। तत्काल प्रभाव से हमने मौके पे पिंजरा लगा दिया हुआ है और पिंजरी लगाने को, जानवर को पकड़ने के ऊपर रिक्वेस्ट लेटर हमने उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। और गांव वालों को विशेष रूप से अभी थोड़ा, जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और महिलाएं हैं, इनको सतर्क रहने की जो उपाय हैं वो कुछ बता दिए गए हैं और हमारी टीम अब 24 घंटे यहाँ पर लगी रहेगी और हम होपफुल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सकता है इस जानवर को पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा।